बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8603 यूनिट 6 कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर के कंटेंट आप जो हम पढ़ रहे थे करिकुलम की डेवलपमेंट। तो करिकुलम जो क्या कहता है कि अब हमने यूनिट 6 में देखना है कि कंटेंट कैसे सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, इसके कौन से प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स हैं। तो ये इसके कंटेंट हैं कि नीड क्या है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव यूनिट के इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव, फिर सिलेक्शन करिकुलम कंटेंट कैसे करते हैं, नीड कैसे, सिलेक्शन की नीड क्या है, प्रिंसिपल कौन से हैं जो करिकुलम कंटेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, और फिर प्रोसीजर कौन सा, यानी जजमेंटल प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर और कंसेंसुअल प्रोसीजर और एक्टिविटी। देन फिर जो आगे ये रोमनी क्लासिफिकेशन आ जाता है और प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो उस इंट्रोडक्शन में यही है कि एजुकेशन जो है ना वो जनरली एक व्यू की जब तक एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक जनरेशन जो है ना वो ट्रांसमिट करती है इसका एक बार नॉलेज एक्सपीरियंस और जो भी कॉम्पिटेंसी बिलीव वगैरह हैं वो टू द नेक्स्ट जनरेशन। अर्ली एज में जो है ना वो कहता है कि मेजर जो है ना पार्ट होता था प्रोसेस का जिसमें होता था कि प्रोसेस वाज एडिक्वेट सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो पेरेंट्स से, यानी कहते हैं कि अकम्पलिश किया जाता होम में और पेरेंट्स जो है ना पर्सनल इंटेंशन दे के उसको नॉलेज को आगे अपने बच्चों को ट्रेन करते थे। तो ये प्रोसेस जो है ना इनफॉर्मल था, अब जो है ना मजीद आ गया कि इंक्रीज़ हुआ है तो नो जो है ना करिकुला वगैरह या सेवर जो है ना वो इस तरह चीज़ें आ गई हैं जिनकी मदद से आप नॉलेज दे देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं बच्चों को। अब करिकुलम जो है ना कंटेंट क्या होता है, करिकुलर कंटेंट, स्मिथ ने जो है ना जी कहा है कि स्मिथ और स्टैनली एंड शोर इन देयर बुक फंडामेंटल्स ऑफ करिकुलम, फंडामेंटल ऑफ करिकुलम में उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट उन्होंने कुछ इशू डिस्कस किए हैं, उनके मुताबिक ये है कि जी इन द टीचिंग इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग वन मस्ट टीच समथिंग टू समवन। अब तो वो टीचर की कह रहा है कि टीचर क्या होता है कि एक पर्सन जो दूसरे को सिखाता है, तो समवन बीइंग द पीपल एंड समथिंग द कंटेंट, तो जो पीपल को तो वो सिखाता है लेकिन कुछ चीज़ जो सिखाता है वो होती है कंटेंट। तो कंटेंट को उसने डिस्क्राइब किया कि एज नॉलेज स्किल एटीट्यूड या वैल्यूज़ टू बी लर्न, कि ऐसी चीज़ें जिनको सीखना ज़रूरी है जो लर्न की जाती हैं। इसमें अब मैन का बिलीव है, उसका बिहेवियर है, उसके फैमिली की तरफ उसको किस तरीके क्रिएट किया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर इसी तरह राल्फ टाइलर ने भी इसको डिफरेंशिएट किया जी बिटवीन द टर्म्स लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस और कंटेंट के दरमियान उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। उनके मुताबिक जी टर्म जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो रेफर करती है द इंट्रैक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। हाँ कि लर्निंग एक्सपीरियंस वो है कि जो आपने सीखा उसका आपके साथ माहौल के साथ जो है ना जो रिलेशन है, जबकि जो टर्म है ना कंटेंट, अब यहाँ तक तो उसने कहा दिया लर्निंग का बिहेवियर के जो है ना वो स्टूडेंट कैसे बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो फिर उसने दूसरी जो चीज़ कही थी कि टू स्टूडेंट जो है ना सेम प्लेस अगर उनको रखा जाए तो वो डिफरेंटली जो है ना वो एक्सपीरियंस शो करेंगे, तो ये उसने बेसिकली दिया था। अब दिस डेफिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग द इंट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट टू द एनवायरनमेंट दैट द स्टूडेंट इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व देयरफॉर डिटरमिनिंग द एक्सपीरियंस लाइकली टू गिवन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव सेटिंग अप सिचुएशन ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस नीडेड। तो ये फिर उसने बताया कि जो नीडेड हैं वो सारे कंटेंट है, कि कुछ जो वन उसका इंट्रैक्शन वो तो हो गया लर्निंग एक्सपीरियंस, और दूसरी चीज़ जो उसने अप्लाई करना है वो उसका कंटेंट है। लेवल ऑफ जो ना कंटेंट और देयर फंक्शन, अब स्पेसिफिक होता है जो खदलिया टिबिया था, ठीक है, हिडरा टिबिया, उसने टिबा ने स्पेसिफिक फैक्ट्स और प्रोसेस बताए कुछ जिनकी मदद से जो है वो कंटेंट को, लेवल ऑफ कंटेंट और उनको फंक्शन है। वन कैन व्यू स्कूल सब्जेक्ट एज कंसिस्टिंग ऑफ नॉलेज एंड सेवरल ऑन सेवरल डिफरेंट लेवल्स, तो स्कूल में जो है ना स्कूल में कहता है कि जो नॉलेज होता है डिफरेंट लेवल पे होता है, कि यानी हर क्लास के लिहाज से डिफरेंट लेवल होता है, स्पेसिफिक होता है हर क्लास के लिए। फॉर इंस्टॉन एग्जाम्पल के लिए वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन ले लें कि ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट्स की देखें तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना उनके काम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डेट्स, इवेंट्स, तो ये सारे जो है ना वो कह रहा है कि जिस तरह एक बॉडी के सिस्टम अलग अलग काम करते हैं, इस तरह हर बुक में अलग एक नॉलेज होता है, कंटेंट अलग होता है हर क्लास पे हर लेवल पे। बेसिक आइडिया एंड प्रिंसिपल, अब जो बेसिक आइडिया एंड प्रिंसिपल रिप्रेजेंट द अनदर लेवल ऑफ नॉलेज, वो अनदर लेवल ऑफ नॉलेज शो करते हैं कि इसमें जो है ना, अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आप आइडिया अबाउट कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कल्चर एंड अदर नेचुरल एनवायरनमेंट, के ह्यूमन का नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ देखें तो एक आपको आइडिया जो होता है कि उनका कैसे जो है ना वो रिलेशनशिप है। इसी तरह सच आइडियाज और प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं दैट करंटली आर रेफर टू एज अ स्ट्रक्चर, जिनको स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिनकी मदद से इसको एक एस्टैब्लिश किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जी कंसेप्ट, कंसेप्ट थर्ड लेवल होता है। अब इसमें क्या है कॉल्ड कंसेप्ट, कि थर्ड लेवल ऑफ कंटेंट इज़ कम्पोज ऑफ व्हाट माइट बी कॉल्ड कंसेप्ट, सच एज कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि कुछ चीज़ों के कंसेप्ट देना, सोशल चेंज के जो बच्चों के पास जो है ना उसके कंसेप्ट होने चाहिए, मैथमेटिक्स के, इन चीज़ों के जो है ना इनको कंसेप्ट कहते हैं। फिर नंबर है जी आगे
आप कुछ जो है ना कंसेप्ट को आगे यूनिट वन में ब्रीफली काउंट द सेम गिवन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर। डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर कंसिस्ट ऑफ फैक्ट एंड प्रिंसिपल। बुक्स एंड अदर इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आर हैवीली लोडेड विद फैक्चुअल कंटेंट कोर्सेज इन हिस्ट्री फॉर एग्जांपल। तो वो कहता है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव मैटर होता है ना, ये फोर ये आगे जो है ना सब्जेक्ट मैटर होता है, इसमें ये बुक वगैरह जो है ना इससे भरी पड़ी होती हैं, जिसमें बायोलॉजी वगैरह जो मैथमेटिक्स बेसिक रूल्स लॉज ये सारे जो है ना डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर आते हैं। नॉर्मेटिव सब्जेक्ट मैटर वो कहता है जी इंडिविजुअल मेक्स मॉरल नॉर्म वगैरह जो है सीखते हैं, जिसमें जो है ना वो सब्जेक्ट मैटर में सब्जेक्ट में यानी नॉर्म वगैरह होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, कैसे अखलाकियात वगैरह माहौल में जो है ना वो आपने कैसे अडाप्ट करने हैं सोशल लाइफ में। अब इसके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है डिफाइन द मीनिंग ऑफ द टर्म करिकुलम कंटेंट, अंडरस्टैंड द नीड फॉर कंटेंट, ठीक है, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, नाउ द प्रोसीजर, अंडरस्टैंड वाट इज मीन्ट बाय करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, एग्जामिन द टेक्स्ट बुक एंड आउटलाइन ए प्रोसीजर ऑफ कंटेंट। अब नंबर वन है सिलेक्शन कैसे की जाती है, नीड क्या है जी सिलेक्शन की, तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एज रोमनी ने पॉइंट आउट किया जी कि देर आर मेनी फैक्टर्स विच हैव रिजल्टेड इन द इंक्रीज नीड फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ करिकुलर मटेरियल एंड एक्सपीरियंस। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम की जो ना सिलेक्शन होनी चाहिए कंटेंट की। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू मास्टर ऑल द अकोमोलेशन ऑफ ह्यूमन कल्चर। हाँ, तो वो ये बात कह रहा है कि किसी की ये इतना कोई इम्पॉसिबल है एक इंसान के लिए या किसी एक बंदे के लिए कि वो तमाम जो कल्चर है उसको स्टडी कर सके। तो इसलिए हमने कुछ जो है व्यू इन सेम लाइट, हमने कुछ पे लाइट डालनी होती है। आल्सो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज़ ब्रॉडन एंड, तो एजुकेशन का कंसेप्ट ही बहुत बड़ा है ये नहीं, तो इसलिए बच्चे स्कूल एज में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है उनको नहीं हम सिखा सकते, इसलिए हमने उनको थोड़ी चीज़ों की मदद से ज़्यादा चीज़ें सिखाने के लिए, ठीक है, यानी कम से ज़्यादा सिखाने के लिए हम जो है ना नीड करते हैं इसकी कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जी कंटेंट सिलेक्शन के लिए, अब कुछ प्रिंसिपल हैं, इनमें सबसे पहले प्रमोटिंग इस्लामिक आइडियोलॉजी, जैसे हमारा कंटेंट होता है कि सबसे पहले हमने उसमें इस्लाम को प्रमोट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमने पहले अल्लाह हमद फिर जो है ना नात इस तरह जो है ना वो डालते हैं दो नज़में, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम डालते हैं जी डेवलपिंग सोशल अंडरस्टैंडिंग, कि सोशल सोसाइटी की अंडरस्टैंड करने के लिए माशरे में रहने के लिए कोई अच्छे अखलाक या इस तरह को हम फिर प्रमोटिंग मैक्सिमम पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम कोई मोटिवेशन के लिए एज अ स्टोरी या कोई इस तरह डाल देते हैं कंटेंट में या बुक में। फिर प्रमोटिंग कंटिन्यूटी फॉर ऑफ एक्सपीरियंस, हम फिर कंटिन्यूटी करने के लिए जो है ना लर्नर को फिर उनको ट्राई ट्रेग एंटिल यू सक्सेस इस तरह की कोई स्टोरी डाल देते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर एजुकेशन एम्स के लिए जो है ना कुछ चीज़ें जो कंटेंट जो रिफ्लेक्ट करें जो के फ्यूचर में बच्चों को ये फ़ायदा हो वो हम। फिर मेंटेनिंग ए बैलेंस अमंग ऑल गोल्स, जो गोल है एजुकेशन के लिए बच्चों में स्किल वगैरह डेवलप करने के लिए वो। फिर इन्वॉल्विंग द पीपल इन द लर्निंग एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व करने के लिए उनमें फ्लेक्सिबल और जो डेमोक्रेटिक चीज़ें डाल देते हैं। यूजिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस और इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए जो है ना कुछ चीज़ें हम सिचुएशन डाल देते हैं। ये बेसिकली था कि इस तरह कुछ जो है ना कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है, इस तरह का कंटेंट जो है ना वो अरेंज किया जाता है। अब रॉल्फ टाइलर ने जी बताया कि कैसे जो है ना वो टू द सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे। सबसे पहले वो कहता जी उसने कुछ जो है ना वो ब्रीफली डिस्क्राइब किया एज अंडर, सबसे पहले फॉर अ गिवन ऑब्जेक्टिव टू बी अटेंड, ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए या स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस देने के लिए हम जो है ना अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस द काइंड ऑफ बिहेवियर इम्प्लाइड बाय द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के से जो अप्लाई किया जाता है हम उस बिहेवियर को अप्लाई करते हैं, उनमें स्किल वगैरह डेवलप करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम देते हैं ताकि वो उसे सॉल्व करें। दूसरे नंबर पर जी लर्निंग एक्सपीरियंस मस्ट बी सच दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन सेटिस्फेक्शन इन कैरिंग आउट द काइंड ऑफ बिहेवियर इम्प्लाइड बाय द ऑब्जेक्टिव। तो जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में अप्लाई किया था वैसे ही स्टूडेंट जो है लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, इसमें भी हम उनको स्किल्स वगैरह सिखाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का दे देते हैं, कोई एक्सपीरियंस कराने के लिए कुछ जो है सेटिस्फाई करने के लिए उनको चीज़ें दे देते हैं। कंटेंट शुड भी जो है इस तरह सच दैट डिजायर रिएक्शन जो है ना प्रोड्यूस करने के लिए हम जो है ना स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं। प्रपोज्ड कंटेंट शुड हेल्प इन अचीविंग द सेटिस्फाइड गोल स्पेसिफाइड गोल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव करने के लिए भी हमें जो ऑब्जेक्टिव हो हमारे एजुकेशन के हम उनके लिहाज से जो है ना कंटेंट सेलेक्ट करें। द कंटेंट सेलेक्टेड शुड इंश्योर दैट द सेम लर्निंग एक्सपीरियंस विद यूजली ब्रिंग एज सेवरल आउटकम। तो हम ऐसा ही जैसा चाहते हैं वैसे आउटकम आए हम के लिए। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जी, आप कुछ क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन है कि डज द करिकुलम कंटेंट रिफ्लेक्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम वैल्यू, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे उनको वो फॉलो करता है, इस्लामिक आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवेलपमेंट होगी इस्लामिक सोसाइटी की, देन जो है ना वो सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइज फील्ड ऑफ नॉलेज हमें आएगा
टेस्ट ऑफ सर्वाइव स्टैंड कर पाएंगे बच्चे जो हैं वो, फिर कंटेंट यूज़फुल है या नहीं और इंटरेस्टिंग टू लर्नर है या नहीं, ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो सिलेक्ट देखे जाते हैं पहले। इंटरेस्टेड भी होना चाहिए उसमें, इस्लाम भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब कुछ जो है ना वो निकॉल ने दिए थे जी क्राइटेरियन ऑफ वैलिडिटी। सबसे पहले वो कहता क्राइटेरियन ऑफ वैलिडिटी के वैलिड होना चाहिए, शुड बी कंटेंट वैलिड होना चाहिए अप्रोप्रिएट फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ना होना चाहिए। जैसे उसमें इस्लाम भी हो, रिलेशनशिप के बारे में भी हो, मदर की रिस्पेक्ट, टीचर की रिस्पेक्ट। क्राइटेरिया ऑफ सिग्निफिकेंस कहता है कि शोइंग दैट पीपल शुड लर्न लार्ज बॉडीज ऑफ फैक्ट, के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट सीखें, नेचर सीखें, मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सीखें, ये चीज़ें सारी जो है ना वो कहता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी क्राइटेरियन ऑफ इंटरेस्ट, क्या उसमें इंटरेस्ट है, ये चीज़ें जो ऊपर क्वेश्चन किए गए थे कि उसमें इंटरेस्ट है, ये देखना होगा कि जो स्टूडेंट को वो अट्रैक्ट करे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट इग्नोर कर दें, बल्कि स्टूडेंट उसमें जो इंटरेस्ट लें उसको सीखें, इतना इंटरेस्टेड होना चाहिए। लर्नेबिलिटी, क्राइटेरिया ऑफ लर्नेबिलिटी, तो हम इसमें देखते हैं कि इंक्लूडेड द करिकुलम शुड क्लियरली बी लर्न एबल बाय द पीपल, पीपल के लिए लर्न एबल होना चाहिए कि वो इजीली इसको सीख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, उनकी सादा जो है ना वो लैंग्वेज यूज़ की जाए, सिंपल वर्ड में उसको बताया जाए। प्रोसीजर क्या होता है जी कंटेंट सिलेक्शन का, जजमेंटल प्रोसीजर है, एक्सपेरिमेंटल सिलेक्शन और एनालिटिकल और कंसेंसुअल, कंसेंसुअल। अब जो है ना सबसे पहले जजमेंटल है, जजमेंटल में क्या होता है सब्जेक्ट मैटर वन द करिकुलम वर्कर एज आंसर व्हाट सोशल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव शुड एक्सेप्टेड, कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव जो एक्सेप्टेड होंगे एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, देन जो है ना व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशन, के कौन सा सब्जेक्ट मैटर हमारे ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है ना वो प्रोसीजर रिक्वायर करते हैं इंटरेस्ट का, फिर नॉलेज आइडिया ऑफ करिकुलम वर्कर जो है ना वो राइज करते हैं अबाउ द स्पेशल विजन, व्हेन द करिकुलम वर्कर जो है ना वो कलेक्ट करता है डाटा तो वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करता है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो फिर जो है ना वो जजमेंटल प्रोसीजर के थ्रू उसको सिलेक्ट करता है। इसमें अब फिलासफी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पोलिटिकल साइंस है, ठीक है। एडिशन जो जजमेंटल प्रोसीजर है वो कॉल्स करता है फॉर द एक्सटेंसिव ग्रुप डिस्कशन डेलीब्रेशन, जिसमें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू और फिर जो है ना पर्सनल ग्रुप ओपिनियन जो है क्रिटिकली इवैल्यूएट किए जाते हैं और रिकंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं। फिर जजमेंटल प्रोसीजर जो है ना वो डेमोंस्ट्रेटेड करते हैं जी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, प्राइमरी बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन, प्राइमरी बेसिस सब्जेक्ट मैटर के देख के फिर उस लिहाज से जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, यानी ये होता है जजमेंटल, जज करके चीज़ों को जो है सिलेक्ट करना। दूसरा एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके, कि प्रोसीजर ऑफ कंटेंट सिलेक्शन आल्सो डिटरमाइंड बाय एक्चुअल टेस्टिंग, यानी एक्सपेरिमेंट पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर प्रैक्टिकल करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं फिर। तो इस तरह ये जो है ना इसकी नीड के हिसाब से जो है ना वो देखते हैं जो चीज़ें अप्लाई हो सकें, जो चीज़ें फ़ायदा दें। अब इसके कुछ फॉलोइंग हैं कि टेंटिवली सिलेक्टिंग सब्जेक्ट मैटर इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के हिसाब से हाइपोथाइजिंग मफरूज़ा बनाएं उसके बारे में, फिर उसके ऊपर जो है ना पूरा प्रैक्टिकल करें, चिल्ड्रन पे अप्लाई करें, बच्चों पे, देन जो है ना चेकिंग करें रिजल्ट के वाकया में जो है एक्सपेरिमेंट काबिल करने के है, ये अप्लाई करने के काबिल है एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल की मदद से उसको फिर प्रूव करें। एनालिटिकल प्रोसीजर जो क्रिएटिविटी, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर वन ऑफ वाइडली नॉन मेथड है कंटेंट सिलेक्शन का। अब इसमें क्या होता है सबसे पहले एक्टिविटी की जाती है एनालिसिस, एक्टिविटी करें एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, बच्चों में देखें कि ग्रुप रीजन बना के उनमें देखें वो एक्टिविटी करते हैं, उनको एनालिटिकली जो स्किल्स हैं उनकी देखें, जॉब एनालिसिस करें कि जॉब के लिहाज से कौन सी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं, प्रिपरेशन के लिए प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर जो है ना वो टीचर भी उनको पढ़ा पाएगा नहीं, वोकेशन ऑपरेशन देखें कि दोनों तरफ से होंगी, नॉलेज एनालिसिस करें कि नॉलेज उसमें कितना है, वो नॉलेज जो है ना अप्लाई करने वाला है भी या नहीं, इंटरव्यू करें, इंटरव्यू की मदद से आपको पता चल जाएगा कि एनालिटिकल जो है वो स्किल वो ज़रूरी है या नहीं एनालिटिकल प्रोसीजर में, वर्किंग ऑन द जॉब, जॉब पे वर्क करें देखें, स्टडिंग करें और ऑपरेशन रिक्वायर्ड मेकिंग जो है ना वो लिस्ट ऑफ देम एनालिसिस करें, जॉब एक्टिविटी बाय द वर्कर जो है ना वो क्वेश्चनेयर बनाएं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करें, फिर डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाएं ताकि जो है ना आपको पता हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएं, ऑब्जर्विंग करें द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल, लोगों के परफॉर्मेंस को करें ऑब्जर्व, तो तभी आपको समझ आ जाएगी और आप एनालिटिकल जो मेथड है वो भी पास हो जाएगा। द कंसेंसुअल जो प्रोसीजर है, द कंसेंसुअल प्रोसीजर इज़ अ वे ऑफ कलेक्टिंग पीपल्स ओपिनियन अबाउट व्हाट दे बिलीव, लोग क्या बिलीव करते हैं, लोगों का यानी कंसेंट लेना, उनकी रजामंदी, उनकी कंसेंट देखना, ये जो है ना वो आउटस्टैंडिंग लीडर इन द फील्ड एजुकेशन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, इसमें जो है ना इन लोगों का होना चाहिए सिलेक्टली, सच पर्सन सेलेक्ट होने चाहिए कि जो आउटस्टैंडिंग लोग हैं, लीडर वगैरह लोग हैं, फिर एक्सपर्ट का देखना चाहिए जो हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन देखनी चाहिए पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी ओरिजिन में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें होंगी, ये एक्सपेरिमेंट जो कंसेंसुअल मेथड है उसमें।
फिर अब रोमनी कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी। कंसेंट क्लासिफिकेशन प्रोसीजर जो था ना इसका, रोमनीज का जो क्लासिफिकेशन था इसमें, अब इसने सिलेक्शन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन किया जी, ये पर्टिकुलर द एक्चुअल पॉइंट जो होता है ना वर्किंग का, वो ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है करिकुलम का। इस रीजन के लिए उसने कुछ प्रोसीजर बताए कि जी अप्लाई करें एग्री टू बॉम सिलेक्शन, हम जो ना एक अच्छी सिलेक्शन करने के लिए मीन्स ऑफ स्टैब्लिशिंग कोर्स, नंबर ऑफ सजेशन उसने दिए हैं जी कि कहता है सम ऑथर डिस्कस वन आर मोर प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ जो ना करिकुलम सिलेक्शन, लेकिन जो स्टीफन रोमनी था उसने डिस्कस किए थे सम प्रोसीजर सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले द टेक्स्ट बुक प्रोसीजर के, टेक्स्ट बुक प्रोसीजर के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसीजर होता है जिसमें मोस्ट कॉमनली इम्प्लाइड किया जाता है फॉर ऑल द सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करिकुलर एक्सपीरियंस, द कंटेंट ऑफ ए कोर्स आर करिकुलम बेस्ड ऑन दिस अप्रोच। तो ये जो है ना एक कोर्स का एक टेक्स्ट बुक का कंटेंट जो है ना वो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो खुद एक्सप्लेन करता है उसमें, खुद चीज़ें इतनी होती हैं कि वो एक ऐसा कंटेंट होता है जो खुद को खुद ही एक्सप्लेन करता है, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, टीचर भी उसको पढ़ाता है, स्टूडेंट भी, वो हर बंदे के पास ईजिली अवेलेबल होता है। तो इसमें जो है ना मोस्टली वो कहता है इस पर फोकस किया जाए। सर्वे ऑफ ओपिनियन प्रोसीजर, ओपिनियन लिया जाए लोगों का, लोगों की जो है ना उनके आप लिया जाए पॉइंट लिए जाए कि इसमें आप पॉइंट, वो कहता है स्पेशलिस्ट से लिया जाए, एक्सपर्ट से, लीडर से, पीपल से, जनरल पब्लिक से, यानी उनका ओपिनियन देखें, उनकी देखें आप क्या जो है कंसेंट है वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड, उनकी डिज़ायर, उनकी नीड। स्टडी ऑफ एरर प्रोसेस, एरर प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि कैसे आपने गलतियां देखनी है, ठीक है, एरर्स और उनकी शॉर्ट कमिंग को फिर उनको आपने दुरुस्त करना है, ठीक है, इस तरह जो है ना वो स्टडी करना एरर्स की। इसमें अब रेमेडियल वर्क आता है, फिर रेमेडी उसकी देना कि जो एरर आ गए वो उनकी रेमेडी। स्टडी ऑफ अदर करिकुला प्रोसीजर, अदर करिकुला प्रोसीजर में आता है जी के सीजर्स एंड पेस्ट मेथड, दिस प्रोसीजर द स्टडी ऑफ करिकुलम गाइड्स कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिमिलर मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर स्कूल एंड एजेंसी के दूसरे जो एजेंसीज हैं उनका देख के आप जो है ना वो सीजर करें और उसको पेस्ट करें, यानी कट करें फिर पेस्ट करें, देखें कुछ उनका कॉपी करें, यानी ये टीचर जो है ना वो जो अच्छी चीज़ है यानी वो कॉपी करें, जो यही वो कहना चाह रहा है। दैन लाइसिस अडल्ट एक्टिविटीज़ प्रोसीजर, अडल्ट एक्टिविटीज़ प्रोसीजर के अडल्ट के लिहाज से जो हाइजीनिक वगैरह जो इस तरह का कंटेंट है वो सिलेक्ट करें, जो स्किल उनको दूसरी उनको स्पीक स्किल आए ताकि वो फ्यूचर में काम कर सकें। सोशल फंक्शन ऑफ प्रोसीजर के, सोशली जो है ना कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, वहाँ की सोसाइटी देखें, वहाँ के लोगों का जो है वो कल्चर, वहाँ के लोगों का जो है ना रहन सहन, फिर जो है ना उनमें जो उनकी कल्चर रसूमात हैं, ट्रेडिशन हैं, वो सारी चीज़ें देखे करें। देन अजी यूथ इंटरेस्ट एंड नीड्स प्रोसीजर, यूथ की नीड को देख के जो ना उसको प्रोसीजर करेंगे, उनकी नीड्स देखें उनमें, जैसे अडल्ट लिविंग, जैसे लोग पैसा कमाना चाहते हैं या स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, लॉजिक होना चाहिए उनमें, क्रोनोलॉजिकल लॉजिक, ये चीज़ें सारी उनमें डिवेल्प होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्या हैं जी, कुछ प्रिंसिपल हैं, प्रोवाइड स्कोप एंड फ्लैक्सीबिलिटी हो, सीक्वेंस हो उसमें, तरतीब हो और फ्लैक्सीबल हो, चेंज होने के काबिल हो, प्रोवाइड ए कॉमन एजुकेटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, इंटरेस्ट हो उसमें, नीड्स के हिसाब से हो, कंसोनेंट विद द मैनर ऑफ लर्निंग टेकिंग प्लेस हो जी, अटेनमेंट ऑफ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड इनकरेज द इवेलुएशन, पीपल ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन टू द इंडिविजुअल लर्नर, उनको कंसिडर करें, कोऑपरेटिव करिकुलम हो, प्लानिंग हो, लर्निंग वेंचर हो, टोटल एजुकेशन जो है ना वो, यानी बेसिक प्रिंसिपल यही हूँ उसके, एजुकेशन हो यानी प्रॉपर उसमें जो है ना वो सीक्वेंस हो, फ्लेक्सिबल हो। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन क्या जी, राल्फ टाइलर ने कहा जी के उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी नो लर्निंग एक्सपीरियंस एज ए वेरी प्रोफाउंड के, उसको जैसे हमने पढ़ा ना इस्लाम से, फिर जो है ना वो पेरेंट्स से, फिर कंट्री, फिर जो है ना फादर मदर, इस तरह जो है ना वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो एक प्रॉपर, जो है ना सीन एज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट के सिग्निफिकेंट। क्राइटेरिया क्या हो जी, इफेक्टिव करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूटी हो, कंटिन्यूली वो प्रॉपर उसके चलता हुआ हो, सीक्वेंस हो, तरतीब के साथ हो, इंटीग्रेशन हो। अब जो बेसिक टाइलर कहते हैं कंटिन्यूटी हो कि वो कंटिन्यूसली जो है ना एक दूसरे के मेजर करिकुलम एलिमेंट, फॉर एग्जांपल सोशल स्टडी है, फिर उसमें रीडिंग सोशल स्टडी मटेरियल, जिस तरह चैप्टर को अरेंज किया जाता है यानी इजी टू कम्प्लेक्स, इस तरह कंटिन्यू चले, सीक्वेंस के साथ चले, तरतीब के साथ, कि जिस तरह जो जो तरतीब आप बनाते हो कि पहले जो है ना आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, फिर आइडियोलॉजी ऑफ कंट्री, फिर जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट, इस तरह चीज़ें जो है वो स्किल डेवलपमेंट, सोशल स्टडी, इस तरह चीज़ें हों, फिर इंटीग्रेशन हो कि रिलेशनशिप हो उनके दरमियान, इंटीग्रेट कर रहे हों एक दूसरे के साथ, अगर उनको देखें तो वो स्टूडेंट को हेल्प करें ताकि वो अनफिक्स्ड अनयूनिफाइंग करें बिहेवियर, तो वो सारी चीज़ें आस्ता आस्ता उनमें आ जाए। कंक्लूजन एंड पे देखें जी के कंक्लूजन जो है वो, फिर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, तो यही बिब्लियोग्राफी या बुक्स पढ़ सकते हैं। ये है यह राल्फ टाइलर का लर्निंग एक्सपीरियंस, कंटेंट वगैरह, ये जो चीज़ें
देन कंटिन्यूटी क्राइटेरिया क्या है, सीक्वेंस क्या है, कंटिन्यूटली उनको आप अरेंज करें कंटिन्यूटी के साथ, फिर सीक्वेंस के साथ, फिर इंटीग्रेशन करें उनकी तरतीब के साथ जो है ना वो उसको अरेंज करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।